जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का चैनल के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान का एक ऐसा धार्मिक स्थल जहां हर रोज़ लाखों श्रद्धालु अपनी हाजिरी देने के लिए जाते हैं, खाटू धाम। जी, आपने छोटी खाटू स्टेशन का नाम सुना होगा और रींगस स्टेशन का भी नाम आपने बिल्कुल बखूबी सुना होगा। ये दो ऐसे स्टेशन हैं जहाँ से खाटू धाम की नगरी बहुत ही ज़्यादा पास है, जहाँ जिसे लोग खाटू श्याम जी की नगरी भी बोलते हैं। रेलवे ने अब यहाँ तक के लिए एक रेलवे लाइन प्रस्तावित कर दी है जो कि रींगस से लेकर के खाटू धाम नगरी तक पहुँचने वाली है। ये रेल लाइन लगभग 16 किलोमीटर की होने वाली है, जिसके ऊपर अब ट्रेन का संचालन होगा। सर्वे के लिए और बाकी सब डिटेल्स के लिए, डीपीआर वगैरह के लिए, यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने लगभग 40 लाख रुपए जो हैं यहाँ पर आवंटित कर दिए हैं। और ये जो रेल लाइन है, इसका काम बहुत ही जल्द शुरू होता हुआ हमें दिखाई देगा। सबसे पहले इसका सर्वे जो है वो यहाँ पर पूरा होगा। वैसे अगर बात करें अभी नॉर्मली कि लोग बाग जो है वो दर्शन करने के लिए किस तरीके से जाते हैं, तो कई लोग सबसे पहले रींगस उतरते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा स्टेशन है जहां एक्सप्रेस ट्रेनें भी रुकती हैं। इसी वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं वो रींगस स्टेशन से उतर करके जाते हैं। बाकी अगर कोई आसपास में है या डेमू है तो वो छोटी खाटू स्टेशन पर रुकती है, जहां से खाटू धाम नगरी जो है वो थोड़ी पास पड़ती है, तो यहाँ से लोग भी जा सकते हैं। वैसे तो बाकी जो लोग हैं वो बाय रोड जाते हैं अपने पर्सनल व्हीकल से, लेकिन अब रेलवे लाइन से जुड़ जाने के बाद में खाटू धाम नगरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो अब ज़्यादा होती हुई नज़र आने वाली है। क्योंकि बाय रोड जो है काफ़ी दूर पड़ती है नगरी, और जयपुर, दिल्ली और बहुत दूर दूर से लोग जो है दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन अब रेलवे लाइन डल जाने के बाद में लोगों के लिए आसान हो जाएगा रास्ता काटना। और दूसरी बात यह है कि लगभग 16 किलोमीटर की रेलवे लाइन डलेगी, तो ये सिंगल प्लस इलेक्ट्रिफाइड भी होने वाली है, जिसकी वजह से ट्रेनों का स्पीड जो है वो यहाँ पर लगभग 110 किलोमीटर का तो होगा ही होगा। डीपीआर जो है वो बहुत ही जल्द बना करके रेल बोर्ड भेज दी जाने वाली है, और बाकी जो डिटेल होंगी वो आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही कोशिश रहेगी कि जब भी काम चालू हो खाटू नगरी पे, आपको जो लाइव अपडेट्स हैं वो या लाइव लोकेशन के जो अपडेट हैं वो आप सभी लोगों को देखने के लिए मिले। फिलहाल ये था हमारा आज का छोटा सा और बहुत ही खुश नुमा जो अपडेट है, वो था आज का हमारा इस वीडियो का। और मिलेंगे भी आपसे अगले किसी नए अपडेट को लेकर के नए वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।